प्रकाश नवनिर्माण सेना चे प्रमुख माननीय श्री राज ठाकरे जी आणि उपस्थित मान्यवर महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनाला मी आजच्या दिवसाची शुभेच्छा देतो आणि त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी मला या भव्य समारंभाला आमंत्रित केला आणि मला मान सम्मान दिला। हृदय से आप सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आपने मुझे यहाँ बहुत ही गौरवान्वित किया और समस्त परिवार की ओर से मैं आप सबको एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय सिनेमा को 100 वर्ष पूरे हो गए और जैसा कि अभी आपको मेरे से पूर्व वक्ता ने सब बताया कि पहली फिल्म 1913 में बनी थी दादा साहब फाल्के के हाथों, और इन 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा में बड़ी प्रगति की, बहुत ही होनहार उजागर निर्माता निर्देशक कलाकार संगीतकार लेखक सबको एक उत्तम दर्जा दिया भारतीय सिनेमा ने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों की वजह से ये महान हस्तियां बनी, जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिनका कभी नाम नहीं वर्णन होता, जिनको कभी देखा नहीं जाता, जिनकी व्याख्या नहीं होती कभी, उन लोगों को आज महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना ने सम्मानित किया है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि कई सालों से हम सब अपने व्यक्तिगत तौर पर ये जो कर्मचारी हैं जो नेपथ्य में काम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम इनकी सहायता करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई संगठन नहीं बना जो इनकी देखभाल कर सके। और आज जिस कार्यक्रम का निर्माण हुआ है, जब इन कर्मचारियों को उनकी इंश्योरेंस दी जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी, ये बहुत ही सराहनीय काम है, इसके लिए एक बार फिर मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं कि कलाकार और जो खेल कूद के मैदान में लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा सीमित होता है, क्योंकि हम सब का जीवन हमारे शरीर के ऊपर निर्भर होता है। स्पोर्ट्समैन का शरीर जब कमजोर हो जाता है तो वो स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देता है। हमारा शरीर जब आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे वृद्धावस्था की वजह से या कई और कठिनाइयों की वजह से, तो हम स्वीकार नहीं होते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है इसके बारे में कोई सोचता नहीं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको मैंने स्वयं देखा कि अपने जीवन में जब उनकी ख्याति थी बड़ी तो सुपरस्टार थे, और इस समय मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रबल एक कलाकार थे 1950 की सदी में या 40 की सदी में, और जब मैं 70-80 के दशक में एक बार गाड़ी में जा रहा था तो मैंने देखा कि वो कलाकार, वो सुपरस्टार, वो महान व्यक्ति एक फटा पुराना कपड़ा पहने बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है, और इतना कष्ट हुआ मुझे उन्हें देख करके। तो मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि मैंने उन्हें पहचाना, कोई और पहचान नहीं रहा था उन्हें, और मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि आइए मैं आपको जहां जाना है छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये मेरी तकदीर है, मुझे इस तरह का अब चाव नहीं है कि आप मुझे पहचाने, लोगों ने जितना मुझे स्नेह प्यार देना था वो दे दिया, अब हमारा जीवन समाप्त हो गया है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, आप किसी को बताइएगा मत कि आपने मेरी मदद की या आप मदद करना चाहते हैं। एक अहंकार होता है ऐसे कलाकारों में, गर्व होता है उनको, और कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास होता है
को खो जाता है। ऐसे लोगों को आज ये जो संगठन बना है और जिस कार्यक्रम में हम सब आए हुए हैं, ऐसे लोगों की जो देखरेख करेगा उसकी सराहना करना मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं, इसलिए एक बार फिर उन्हें धन्यवाद देता हूं। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष हो गए और जब ये शुरुआत के वर्ष थे उस समय सिनेमा जो था ये एक समाज में कई एक घरों में एक कोड़ की तरह माना जाता था। अच्छे घरों के बच्चे जो होते थे उनको वहां भेजा नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे सिनेमा ने अपना एक महत्व बताया और अब देखिए कहां पर इस स्तर पर आ गया है जब देश विदेश में भारतीय सिनेमा का नाम रोशन हो रहा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म उद्योग का एक छोटा सा सदस्य हूं जहां पर देश विदेश में हमारा नाम जो है ये एक तरह से माना जाए तो पैरेलल कल्चर बन गया है हमारे देश का। 5000 वर्षों का हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, और पता नहीं कि ये सही कहना उचित होगा कि नहीं, लेकिन कई मानों में लोग भारतीय सिनेमा के व्यक्तियों को और भारतीय सिनेमा के बारे में ज्यादा जानते हैं बजाय यहाँ के अन्य लोगों को, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे लिए आज के दिन जो सबसे गर्व की बात है वो ये कि आज मैं जिस जगह जिस स्थान पर ये आज समारोह का आयोजन हो रहा है इसका नाम है षणमुखानंद हॉल। कई साल पहले जब मैं 60 और 70 के दशक में यहाँ आता था तो यहाँ पर फिल्म अवार्ड्स की एक सेरेमनी होती थी, जहाँ पर अब तो बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज हो गए हैं और बड़े बड़े स्थानों में होते हैं, लेकिन उस समय फिल्म फेयर अवार्ड होता था वो यहीं होता था और इसी मंच के ऊपर जिन लोगों की सराहना की जाती थी उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता था। मेरे लिए आज ये बड़े गर्व की बात है कि इसी मंच के ऊपर मैं एक कलाकार उन लोगों को सम्मान कर रहा हूं जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, और इसका श्रेय जाना चाहिए राज साहब ठाकरे जी को, इनकी संस्था को, कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, राज साहब आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, और यदि मैं फिर से दोहराता हूं कि यदि मेरी आवश्यकता किसी भी ऐसे नेक काम में पड़ी तो मैं अपने आप को यहां अवश्य हाजिर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।